दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का बेसब्री से किसानों का इंतजार है और वो चाह रहे हैं कि उसकी डेट हमें पता चल जाए, कब 18वीं किस्त के पैसे गिरेंगे, उनके अकाउंट में आने वाले हैं। तो आज हम उसी को लेकर ये अपडेट लेकर आए हैं। बहुत लोगों के मन में डाउट्स थे कि पीएम किसान की जो 17वीं किस्त थी वो तो आ चुकी है दो महीने पहले अप्रॉक्स में, अब 18वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो उसको लेकर दोस्तों एक अपडेट आया है, जो हिस्टोरिकल डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि बहुत से ऐसे किसान थे जिनको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उनकी लैंड सीडिंग नहीं हो पाई थी, उनकी EKYC नहीं हो पाई थी। तो अब ज़्यादातर किसान, जितने वैलिड किसान थे, उन सभी का लैंड सीडिंग हो चुका है और उनका EKYC भी हो चुका है और उनको 17वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। बट बहुत से अभी और भी किसान हैं जिनको 17वीं किस्त का ही पैसा नहीं मिला है। तो उनके लिए क्या है, अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, स्टेटस चेक करिएगा सबसे पहले, और स्टेटस चेक करने वाले जो भी प्रॉब्लम, उसे अभी आपके पास समय हो, उसे आप सही करा लीजिएगा। सही कहाँ से होगा, इसके लिए दोस्तों आप वे कृषि कार्यालय जाइएगा, वहाँ पर अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम साझा करिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो 17वीं किस्त का भी पैसा 18वीं किस्त जब आएगी तब भेज दिया जाएगा, साथ में दोनों का। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि देखो दोस्तों, लगभग अभी 2-2.5 महीने हुए हैं 17वीं किस्त भेजे। तो सरकार, आपको पता है कि हर जो भी किस्त आती है वो चौथे महीने में आती है। तो चौथे महीने मतलब कि आपका अगस्त तो अभी चल रहा है, लगभग अक्टूबर होगा, सितंबर अक्टूबर। तो अब अक्टूबर में ही दोस्तों दीपावली है, आपको पता है 31 अक्टूबर की अबकी बार दीपावली पड़ रही है अप्रॉक्स में। तो अब किस, आपको भी पता है कि सरकार चाहती है कि कोई ऐसा त्यौहार पड़े, कोई जयंती पड़े, जब किसानों को पैसा 18वीं किस्त का दिया जाता है। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि दीपावली के जस्ट पहले, मतलब 31 अक्टूबर के पहले, अक्टूबर लास्ट वीक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, क्योंकि तब सभी किसानों के पैसे का ज़रूरत भी होता है, ज़्यादातर लोगों को आवश्यकता होती है पैसे की, क्योंकि त्यौहार आएगा तो खर्चे होते हैं। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि हम दीपावली के जस्ट 4-5 दिन पहले, मतलब कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपको डेट में एग्जैक्ट कि सरकार ने तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है कि इस डेट पर आएगा, बट जो अनुमानित है, जो पिछली साल के रिकॉर्ड देखें या उसके पिछली साल के रिकॉर्ड देखें, तो लगभग कोई भी त्यौहार होता है उसके पैसे पहले डाले जाते हैं। अब दीपावली के जस्ट पहले 4 महीने भी कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका पता है 4 महीने में किस्त भी आती है। तो जस्ट दीपावली के पहले, मतलब अक्टूबर के लास्ट मंथ में, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 रुपये की किस्त है, 18वीं किस्त, उसका पैसा भेज दिया जाएगा। तो अब आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जैसे कोई और अपडेट आएगा सरकार की तरफ से, हम वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आपको हमारी बात या हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है पीएम किसान संबंधित तो आप में पूछ भी सकते हैं, किसी प्रकार की आपकी समस्या है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।